मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, 12वीं के छात्र को अगवा करके पीटा, चेहरे पर किया पेशाब, पीटते और पेशाब करते हुए वीडियो हुआ वायरल, मामले का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सात युवक ने 12वीं के छात्र को पीटा और चेहरे पर पेशाब कर दिया। कुछ दिन पहले सात युवकों ने मिलकर 12वीं में पढ़ने वाले छात्र को बंधक बनाया, फिर उसके साथ हैवानियत की, फिर घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामला थाना मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार एक्सटेंशन का है, जहां पर रहने वाला 12वीं क्लास का छात्र 13 नवंबर की तारीख को अपनी मौसी के यहाँ मिठाई देने गया था और रास्ते में कुछ युवक ने उसका अपहरण कर बंधक बना लिया। इसके बाद जागृति विहार के सुनसान रास्ते पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की और घटना को अंजाम दे दिया। फिर भी आरोपियों का जब मन नहीं भरा तो उन लोगों ने छात्र के चेहरे पर पेशाब कर दिया। इसके अगले ही दिन 14 नवंबर को परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद 16 नवंबर को परिवार वाले दोबारा पुलिस के अधिकारियों से मिले, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए अभि शर्मा, आशीष मलिक, राजन और मोहित ठाकुर के खिलाफ नामजद और 3 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम करण चौधरी है। मेरे बेटे ऋतिक चौधरी के साथ हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ, उठा के ले गए, अपहरण किया, एक तरफ जंगल में ले गए, अपनी मौसी के यहाँ आया था मिठाई देने 13 की रात को, और पूरी रात उसे जंगल में बांध कर रखा, मारा, पेशाब तक पिलाया उसे। इससे शर्मनाक घटना क्या हो, और पुलिस कोई कार्रवाई करने की तैयार नहीं, बहुत हल्की धाराओं में। एक अभि शर्मा जेल चुनरी, एक आशीष मलिक अजंता कॉलोनी, एक ये मोहित ठाकुर सोमदास सिटी, एक राजन है सेक्टर 7 जागृति विहार। इन लड़कों को हमने पहचाना, 3 अज्ञात हैं, 7 जने थे। तो किस तरीके से घटनाक्रम तो हमें मालूम, जो रास्ते से उठाया हमें क्या पता, क्यों कैसे क्या उठा, क्या वजह थी, जान से मारना था, क्या था, जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कब की घटना है ये? 13 तारीख की रात की। पुलिस को शिकायत करी? पुलिस को हमने 14 की सुबह को शिकायत करी, हमारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेट करा गया। 16 में बहुत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा गया। बेटा मेरा इंटर किया, बेटे ने भी 13 नवंबर 2023 को थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला जागृत विहार में एक युवक के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान ही उक्त युवक पर यूरिन पास भी किया गया था। इस घटना के संबंध में पीड़ित युवक के पिता की तहरीर पर थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विश्लेषणात्मक कार्यवाही थाना मेडिकल पुलिस के द्वारा संपादित की जा रही है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।